को जाने का हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं ससुराल पहुंच गई हूं और मेरे ससुराल का हाल ऐसा है, देखिए। और आप पात्री साहब का मूड देख रहे हैं, गाने चालू हैं और क्या बोलते हैं, एकदम खुश मस्त मिजाज। और मतलब क्या बोलते हैं, मुझे बाथरूम आया था, पूरा घर ट्रैवल करके आई, एक भी खाली नहीं है। हमारे घर में शायद 5 या 7 बाथरूम है, सब बंद है। तो आप सोचिए हमारे घर में कितने लोग हैं। मेरे देवरानियाँ हंस रहे हैं, क्या रानी भाभी, ये देखिए हमारी देवरानियों का और हमारा किचन का अड्डा। कैसे हैं? कोई भी सलाम नहीं करते किसी को भी, अभी वीडियो की आदत नहीं है ना। मैं यहाँ जब रहने लग जाऊंगी तो सबको आदत हो जाएगी। मेरी जेठानी को आदत है, मेरी जेठानी एकदम बहुत अच्छे कोऑपरेट करते हैं। उन्होंने क्या बाथरूम में मेरे जेठ बोल रहे हैं, उन्हें गई है बोल के, तेरा साथी नहीं है बोल के। चलिए, एक्चुअली मैं खुश भी हूँ ससुराल पहुँची हूँ बोलकर, और थोड़ा सैड भी हूँ क्योंकि यूसुफ को छोड़कर आना पड़ा। एक्चुअली इतना बुरा लग रहा था, वो बोल रहा था अम्मी मैं नहीं जाता, मैं घर में बैठ के पढ़ाई करता, मैं बहुत अच्छे मार्क लाता जी अम्मी, बोल रहा था। पर मैं उसे बोली, बेटे मैं तुझे पढ़ाई करना सिखा सकती और बहुत अच्छे मार्क लाके एक कॉलेज भी मैं तुझे दिला सकती, पर मैं बेटे तुझे दुनियादारी नहीं सिखा सकती, दुनियादारी सीखने के लिए तुझे जाना पड़ेगा। तो अच्छे खासे स्नैक्स वगैरह देकर भेजी हूँ उसे। चलिए, मेरा तो बुरा हाल है, रुक रहा नहीं रोना, पर वो अंदर से खुश भी नहीं है क्योंकि दोस्त नहीं बन रहे उसके। और शायद मेरा जहन बोल रहा था कि अम्मी जो भी क्लास में आंसर ज़्यादा देते हैं ना, तो उनके ज़्यादातर दोस्त नहीं बनते हैं, तो वो प्रॉब्लम में भी है। अभी कल बोल रहा था कि सब लोग पिक्चर गए देखने के लिए, पर उसको कोई बुलाया नहीं बोलते, तो वो बोल रहा था अम्मी मुझे कोई नहीं बुलाया, अगर बुलाता तो मैं जाता था बोलकर। तो मैं बोली ठीक है बेटे, अगर कोई दोस्त अच्छा है तेरे साथ बात करने वाला है तो ठीक है, तू जा उसके साथ, अगर नहीं है तो फिर मत जा, रहने दे बोली। तो फिर वो बोला दूसरे दिन भी अम्मी मुझे कोई नहीं बुलाया, फिर मैं पढ़ाई कर लेता बोला। दुनिया में मतलब इतने छोटे बच्चे को बाहर जाकर रहना बोले तो बहुत मुश्किल है। सभी बच्चों के साथ होता होगा, कुछ बच्चे माँ बाप को बताते कुछ बच्चे नहीं बताते, पर अभी फ़िलहाल तो मेरी हालत बहुत ख़राब है। और इसकी उसके बारे में बात करें तो मुझे रोना ही आ रहा है। तो फिर चलिए रोते हुए वीडियो। रिप्लाई क्या था? चोरी पकड़े गई। यहाँ आने के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बैठे जगह चाय मिलती है। मेरी देवरानी ने चाय कितनी ज़्यादा दी है, मैं कम कर बोल रही हूँ तो बोल रही है मैं टोस्ट लाती हूँ, टोस्ट खाओ भाभी बोलकर। प्याज, हल्दी, नमक, मिर्च, दाल की सूखी दाल, प्याज की सूखी पतली दाल। ओके। और इधर देखिए हमारे होटल से कीमा बच के आया है, और ये फीकी नीनी जो जहीन को पसंद है यहाँ पे कुछ बिकती है वो लाए थे, खा रहा था। और बिरयानी बची हुई है, और ये शाम की बिरयानी बनाने के चावल भिगोए हुए हैं, और मैंने देखिए चावल है ना गंदे बर्तन है बोलकर इसमें डाल दी। मेरी जेठानी वही बोल रहे हैं तुम्हारे वीडियो के चक्कर में हमारे बर्तन गंदे कर रहे ना तुम बोलकर। उधर माइक्रो चालू हो गया, उधर दूसरे बच्चे खाने को आए हैं, और सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई एंजॉय कर रहा है। सलाम। ये किस स्कूल की मिंट्री है ये? ए आपी।
ज्यादा ये तो सारे बच्चे एक ही में डाले सोई कई के अस्तर मारने का हुआ कर कहीं स्कूल से कांड है क्या कांड करे फरहान हाँ बोलो उनके पास पैसे हैं ओ आपा जी जरा ठहरो बाद में झाड़ू मारो कटे लीडर कौन है कल जी गटर की कंप्लेंट आ रही है मेरा फोन टीचर्स कंप्लेंट कर रही मतलब तुम लोग गलत कर रही हां उधर से हां हां साउंड कर ले दोस्त टीचर मालूम नहीं कब की बोला ये तीनों छोटी बच्चियां चुपके से 10 रुपीज लेकर जाकर स्कूल के ग्राउंड के बाहर से कुछ लेकर खा रही हैं और उतने से ही वापस नहीं आ रहे हैं और उसी से थोड़ा दूर जाकर एक बड़ा सा गड्ढा है बोलते हैं वहाँ सांप वगैरह भी रहते हैं वहाँ खेलने के लिए जा रहे हैं तो उनके टीचर्स की कंप्लेंट आई है तो उनकी आज परेड हो रही है। ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं इनको तो आप बिल्कुल नहीं पहचानते होंगे। ये मेरी जेठानी का बेटा है ये मेरी ननद का बेटा है और ये मेरा रियाजी बेटा भी है और इसने मेरा नाम कमाया है। इस बार उसका है ना हमारे गांव में फोटो लगा है सेकंड नंबर आया है ना हाँ। क्या करा है किसी में सेकंड नंबर और ये हमारे नारियल वाले भाई चाहिए क्या आपको नारियल। और इधर स्कूल के टिफ़िन तब का तब धोकर सूखने के लिए रख रहे हैं और ये लोग नमाज के लिए जा रहे हैं। ये चार लोग उतर रहे हैं अभी चार लोग तैयार हो रहे हैं और इधर देखिए बिटिया रानी कुछ उनको फरमाइश कर रही है और ये हमारे दुकान को जाने वाली बिरयानी बन गई है मतलब होटल को और कीमा भी बन गया है और इधर मगरिब की नमाज कुरान ये चालू हो गया है। ये चक्की है ना मेरी देवरानियों को मेरे तरफ से गिफ्ट है। पिछले साल 2 साल पहले आई थी 4 साल हुआ क्या 4 साल पहले मंगवाई थी। पहले 1 HP की बोली मैं 16,000 की आ जाती बोल के दुकान में जाने के बाद 2 HP की निकली। मेरे छोटे देवर फ़ोन करे भाभी 2 HP की है 1 HP की है इतना इतना प्राइस इतना फिर मैंने 2 HP की पसंद की फिर वहाँ से गया कॉल पात्री साहब को पाजी साहब गुस्सा करे उन्हें कभी भी ऐसा करती पसंद एक करती और वहाँ जाने के बाद उससे भारी वाला पसंद करती फिर जाने दो बोल के थोड़ा सा ऊपर नीचे करके शायद 22,000 में लिए हैं 4 साल पहले। माशाल्लाह तब से कोई प्रॉब्लम नहीं है और देखिए मैं अंडे में रहती हूँ तो मेरा हक बनता है ना मेरी देवरानी जेठानी को भी अंडे में रखना क्योंकि एक बार आई थी ना मैं तो ये लोग बुरखा पहन के पिसाने जा रहे थे और एक्चुअली हमारे घर में जब गाड़ी लिए थे ना तब इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी हमने चक्की लिए थे सब लोग उसके सामने बैठ गए थे सभी को याद आ रही बातें हंस रहे साफ नहीं करे कल का एक दिन गए कल का एक दिन।
ये डाले बाद बजर बंद होता है क्या? हमारी जॉइंट फैमिली है, काफ़ी बड़ी फैमिली है, और हमारे एक गाड़ी है, मतलब ठेला रहता है ना वैसा, और एक होटल है, तो मैक्सिमम चीज़ें हम घर से बनाकर ही लेते हैं वहाँ पर। तो ये होटल को जा रहा है, आज हमारा ठेला बंद है, और ये बच्चे आ गए हैं खाना खाने के लिए। खिचड़ी तो चावल ही देखो माँ, बघारे में क्या नहीं खाली, सफ़ेद दाल चावल पकाई सो है ना माँ, क्या करना देखा भी? ये कुछ क्लिप कल रात के हैं, माँ बेटा रोटियां बना रहे हैं। पीछे का नज़ारा देख रहे हैं कितना अच्छा है। आज मोहर्रम की 5वीं तारीख है, तो हमारे इधर जो असर से पहले ही सब पकाया जाता है, और एक बार पकाने के बाद रात में गर्म नहीं किया जाता है बोलते, तो फिर अभी सभी आदमियों को अलर्ट कर दिया गया है कि रात में जो भी खाना खाएंगे लेट खाओ जल्दी खाओ ठंडा मिलेगा बोलकर, मतलब अभी रात में गैस ऑन नहीं करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।